हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स मी नॉग यू वाचिंग अस व्लॉग। तो गाइस आज काफी दिनों के बाद आ रहा हूं मैं, करीबन 2 से 3 महीने मतलब पहले शूट किया था, मुंबई गया था तो वो शूट किया था, तो वो डाल दिया, वो एक पार्ट और बचा हुआ है तो वो पार्ट भी जल्दी अपलोड करूंगा। तो काफी लेट आ रहे, तो पहले रेगुलर आ जाते थे, फिर वीक में एक या दो बार आ जाते थे, अभी तो वीक भी निकल जाते हैं, महीने में आ रहा है एक दो, तो वो जानता हूँ बहुत ही मतलब गलत बात है ये, लेकिन ट्राई करता हूँ। और हमारे पास एक नया चीज़ आया, हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, आप लोगों को जल्दी ही इंट्रोड्यूस कराऊंगा उस चीज़ से। तो चलते हैं, नॉर्मली मतलब मैं किधर ये ब्लॉग वही चीज़ इंट्रोड्यूस करूंगा, वो चीज़ के बारे में बताऊंगा और थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, वही सब शेयर होगा, बस बने रहो। बड़े हो गए हैं और लालची भी, चिको पहले देखे देख, तो आज यूट्यूब पे आएगा, फिर आज मतलब कल, ये वीडियो कल अपलोड होगी ना। अभी मैं जा रहा हूँ आदिल के पास, आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो हमारे फ्लोर पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, मतलब बिल्डिंग में अराउंड हर जगह कैमरा ही कैमरा है, आप लोगों को नीचे चलता हूँ दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो, लिटरली क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी रखा है इस बार इन्होंने। तो गाइस ये देखो, एक्टिवा में जो नाम लिखा हुआ था अच्छा खासा रिडीम था, वो भी बर्बाद हो गया है, थोड़ा थोड़ा करके निकल गया, ये किसी ने निकाल दिया है। यहाँ गलत सीन हो चुका है, मैं आदिल के घर पे आया और आदिल दूसरे चौक पे पहुंच गया है, तो अब चलते उधर। गाइस अभी आया मैं इलेक्ट्रिक के शोरूम पे, अब लोगों को बताता हूँ, मैं अभी गाड़ी रिपेयर करा रहा हूँ, गाड़ी मैंने सेल करने का सोचा है, ये बात भी बताना था, तो अभी बताता हूँ, चलते पहले देख लेते रिपेयर हो गई या नहीं। तो गाइस अभी तक हमारी गाड़ी आई नहीं है, बोल रहे अभी नहीं है, तो चलते हैं, जब आएगी तब देखता हूँ। मैंने मतलब टाइम लगे उनको आने में, गाड़ी मैंने रिपेयरिंग के लिए दी थी वैसा, तो वही नहीं अभी। तो गाइस भाई तो आ गए और ये रही हमारी इलेक्ट्रिक, ये देखो अभी भी ये बाकी है चेंज करना, ये चेंज हो जाएगी तब लेके जाएंगे, और ये चेंज हो गया, ये पार्ट पूरा चेंज हो गया, ये देखो नया है। टाइम टू सेल, मैं रीज़न मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ ये सेल क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज देखो इसमें बहुत इशू आ रहे हैं, मैं रिव्यू देने वाला था, वो भाई भी खड़े थे, मैं रिव्यू देने वाला था, लेकिन इतने इशूज़ हैं ये गाड़ी में, कभी मतलब कुछ तो कुछ ख़राब हो जाता है, टायर में से हवा अपने आप निकल जाती है, और ये साइड का जितनी बार भी बना टूटता ही है, और गाड़ी का बैटरी भी अभी ठीक ठाक चल नहीं रहा। तो गाइस चलते हैं, हमारे जो दूसरे काम है वो निपटा लेते हैं हम, चलो फिर। एक्टिवा सबसे बेटर है मेरे लिए, सबसे बेटर। हाँ मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई, आदिल के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आदिल बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गए। तो गाइस ये देखो क्या गलत लगा है, सिर्फ हाथ का ये चोट, बाकी तो बहुत जगह लगा है चोट। एक्सीडेंटिंग का कैसे हुआ मैं बताऊँ या आदिल ही बताएंगे? आदिल बोल, कौन बताएगा? तू बताने सर तो मैं बताता हूँ। गाइस हुआ क्या था, इनके गाड़ी के सामने आ गए थे ये, 60-70 की स्पीड में थे, तो इनके गाड़ी के सामने आ गया था पिग, मीन्स वोअर आ गए थे बीच में, और गाइस वो तुरंत मर गया, तो उसके लिए मैं अफसोस जता रहा हूँ, आदिल ने गलत किया। गलत क्या रहे? गलती से हो गया गाइस, कोई नहीं, ठीक है, आदिल भी सेफ है, तो सबसे बड़ी बात वो है, बाकी गाड़ी को भी बहुत नुकसान हुआ था, इन लोग गिरे थे पल्सर से 60-70 की स्पीड में, अभी पता नहीं इन लोग झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सच है वो 70 की स्पीड में गिरा, उल्लू बना रहा है, ज़्यादा ही होगा, उल्लू बना रहा है, ज़्यादा ही होगा, बचता नहीं अब तक, ऐसा है क्या? ठीक है फिर, तो अभी चलते हैं हम लोग पेट्रोल फिल करा लेते हैं, तो देखो पेट्रोल थोड़ा कम है, डला लेते हैं पेट्रोल और फिर निकलते हैं। उमरगांव बीच पे, जो कि काफ़ी टाइम बाद मतलब दो वीक बाद आ रहे हैं, और 2-3 लोग आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं हम लोग, फिर चलते थोड़ा उधर उधर घूम फिर के आते हैं, काफ़ी टाइम बाद है ना, मज़ा आएगा। तो गाइस रही बात जिसका मैं हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, हम लॉन्च करने वाले हैं, मतलब वो काफ़ी सही चीज़ है, बहुत मतलब सोच के कि टीम आप जल्दी टीम से जल्दी अपडेट आएगा, तो मैं जल्दी अपडेट डालूंगा इधर, मतलब फ्रेंड्स के साथ बीच है ना, तो काफ़ी सही लग रहा है, वरना तो ऐसे में आया था इधर से बस गाड़ी के साथ घुमा लिया,
तो वो उतना मज़ा नहीं आता है। तो आने दो एक दो लोग को और एक, हाँ सिर्फ हमारे इम्तियाज़ भाई आ रहे हैं। पीस थोड़ा गंदा भी हो रखा है। तो गाइस हमारी टीम से ये भी साफ कराया जाए। ये रही हमारी टीम, आदिल, इम्तियाज और ये टकलू। आगे बोलो गाइस, अभी चाचा का कपड़ा लेना, कल उसका ड्रेस है चाचा का। क्या डेज है मेरा? चाचा का डेज, ब्लैक एंड व्हाइट डेज, ब्लैक एंड व्हाइट डेज है ऐसा। हाँ कपड़ा पहन के जाने का। मैं भी एक बार सोच रहा हूँ, डेज है क्या बोल रहा है ये? डेज डेज DAYS। तो एक तू बता ना, तू ब्लॉग में आना क्यों चाह रहा है अभी? क्या हुआ था तेरे साथ? मेरे साथ तो कुछ ऐसा कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ है। तो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये गया था एक रैली में, ठीक है? तो उधर इसको एक बच्चा मिलता है जो बोलता है कि आप वही हो ना जिसने अनुराग इन लोग ने कितने टाइम में एक मच्छी पकड़ी और आपने वो भी गिरा दिया। मतलब फिर से बेइज्जती करके मान। तो अभी क्यों गिरा है? क्यों मतलब आदिल कितनी मेहनत थी ना वो। पैसे लूट रहे, टी शर्ट के लिए पैसे लाया था और हमने गायब कर दिया। वो आदिल को पकड़ के रखा है कि आदिल के पास है पैसा, लेकिन आदिल ने जुगाड़ इधर लगा दिए। तो चलते हम भाग जाते अभी बीच छोड़ के सकते। तो छोड़ के जाने वाला प्लान कैंसिल करना पड़ा, बिकॉज हमारे इतने अमीर भाई को नहीं लूटा जा सकता। थैंक यू। अच्छा व्यू बीच का देखो, आगे का साफ है, पीछे का बहुत गंदे हो गए, उस साइड के बहुत गंदगी है। तो अभी चलते हैं हम लोग, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया इम्तियाज इन लोग का कल ब्लैक एंड व्हाइट डे है, तो उसके लिए जा रहे हैं। अभी वो शॉपिंग करने जा रहा है, टी शर्ट लेने, शॉपिंग क्या करें मतलब टी शर्ट लेने जा रहा है। तो चलते हैं उधर भी, थोड़ा रिकॉर्डिंग करेंगे, मस्ती मजाक। कंटेंट है मेरे पास, जुपिटर वर्सेस एक्टिवा, एक्टिवा 5G वर्सेस लेटेस्ट जुपिटर। कैसा लगा कंटेंट? हार जाएगी कौन? तेरी एक्टिवा भाई। ऐसा ठीक है, आवाज ही सुन ले, डर जाए इसे ही। आवाज आएगा ही नहीं बोल वीडियो में इतना। अरे आएगा, तू अभी एग्जॉस्ट लगवा के आता ना कर। एग्जॉस्ट ठीक है, लगवा के आओ। चल फिर चलते, चलो बाय गाइस। सही कर दिया जुपिटर वालों ने, काफी अच्छा लग रहा है देखने में, कार के जैसा फील आ रहा है ना ये देखने में। लेकिन ये क्या है इधर? 11 बज रहे इधर, 11:01। वाह। अरे गाइस उस पर ध्यान नहीं दिया जाता गाइस, ऐसा वो खराब है। ध्यान नहीं दो उस पे। इस पे मत ध्यान। में जितनी भी गाड़ियां है सबको ये परंपरा निभानी पड़ती है पेट्रोल जमाने में। किधर भी थोड़ा भी निकलो पेट्रोल भराओ। वाह तो पहुंच गए। अरे इम्तियाज चेंजिंग रूम है शायद। क्या गलत है? बराबर है ना, तेरे को ऐसा बैग ही पहनने का? नहीं इधर देख, इधर देख। अच्छा अच्छा लग रहा है, मस्त सच्ची अच्छा है। ब्लैक जींस डाल लेना, हो गया तेरा। कपड़े तो काफी सही सही है, स्वेट शर्ट, ओवर साइज टी शर्ट्स और ये अपने प्रिंटेड एलिफेंट प्रिंटेड, सही रखा है भाई ने। आप लोग ले सकते हो उमरगाँव में, जैसे उमरगाँव वाले हैं जिनको पता ना हो तो ये शॉप है सुंदरवन के जस्ट बाजू में, ऊपर सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स के पे। जैकेट्स सही है। तो हमें टी शर्ट और हुडी उसके साइज की नहीं मिली, बाकी तो मुझे थोड़े थोड़े पसंद आए, तो देखा जाएगा इन फ्यूचर लेंगे। अभी तो अभी जा रहे हैं हम लोग दूसरी जगह, इधर तो नहीं मिला हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं है, और ऊपर से साइज भी नहीं थी इसके लायक। इधर से भी निराश होना पड़ा। चलते अब थर्ड जगह, चलो। बाकी तुझे चाहिए क्या? जी सर। मिल ही नहीं रहा है। फाइनली पहुंच गए थर्ड शॉप पे, अब इधर देख लेते कुछ पसंद आता है तो ठीक, वरना मैं तो सीधा घर। तू ये 15 मिनट गाड़ी घुमाया और फिर से पोपट करा लिया। आदिल ये देख ले भाई, 15 मिनट घूमने के बाद अपना जो पेट्रोल जला, टाइम खोटा हुआ, वो अलग सब ये देगा।
वापस आ चुके हैं, तो हमारा वही सीन है। लौट के बुद्धू घर को आए, ये देखो आखिर लेने तो इधर ही, मैं तेरे को पहले ही बोला नहीं मिलेगा किधर, जैसा तेरे को चाहिए था। तो चलते फाइनली हो गए हमारी शॉपिंग, वो वाला तो डाल। आज यही शॉप पे से लेना पड़ा, मैं जानते ही था, देखो जैसा ओवर साइज और जो भी है ना इधर नहीं मिलता सिवाय इधर के, तो मैं इसको पहले ही बोला अपने को वापस आना ही पड़ेगा। बात मान लेता तो टाइम वेस्ट नहीं होता दोस्त। तो कुछ नाश्ता वास्ता करने आ गए, काफ़ी टाइम से हम बस घूम ही रहे थे और मुझे लगी भी थी भूख। मैं तो लिया कटलेस, मेरे में तीखे डाल सकते। चलते घर को क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को बाहर है, मैं यूँ ही आज हल्का फुल्का निकला था घूमने, लेकिन काफ़ी टाइम घूम लिया, तो अब चलते फटक से घर। 15 minutes later. Finally guys, खाना वीना भी हो गया अच्छे से, अभी जाते हुए सुने। तो रही बात, मैं आज भी वो पूरी बात नहीं बता पा रहा हूँ जो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है जो लॉन्च करना है उसको लिए। मैं खुद सोच रहा हूँ जल्दी से बता दूँ, लेकिन जो मेरे साथ है जैसे आदिल वादिल सब लोग जो भी हैं वो बोल रहे अभी मत बता। तो चलो कोई नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा, देखना आप लोग सब साथ, मतलब जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना सब उसमें पार्ट कर सकते हैं, तो अच्छा भी लगेगा वो चीज़ भी। तो चलते हैं ये वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उससे पहले आपको ये दिखाता हूँ, आज चिको हमारे साथ सोने वाला है जो कि सोएगा नहीं, थोड़े टाइम में भाग जाए मुझे पता है। तो चलते हैं वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। आई होप आपसे पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग सोच रहे हो मेरे बालों में क्या हुआ है, बालों में ऑयलिंग किया है। तो चलते हैं।